नमस्कार बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे अल्कीन और अल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर। और चूंकि इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्कीन में और अल्काइन में, इसलिए वो ही इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ हम उसी को फंक्शनल ग्रुप मानकर चलेंगे। कुछ इसके 3-4 सामान्य नियम देखते हैं नामकरण के। पहला नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। नामकरण के लिए सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कार्बन की नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप निकटतम हो। यदि फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ अर्थात लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों तरफ से समान नंबर पर हो तो नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट निकटतम हो। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट से हमारा तात्पर्य है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आदि ग्रुप। पांचवा नियम हमारा, यदि एक से अधिक प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये हमारे 5 सामान्य नियम हैं जिसके आधार पर हम इनका नामकरण करेंगे। आइए प्रत्येक कंडीशन पे एक एक एग्जांपल लेते हैं अल्कीन और अल्काइन का। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ऊपर और नीचे की दिशा में भी हो सकती है, तो नंबरिंग 1, 2, 3 और ये 4, इधर से फंक्शनल ग्रुप निकट है इसलिए नंबरिंग इधर से करें, तो क्या हो जाएगा ये थ्री मिथाइल प्रोप 1-1 ट्रिपल बॉन्ड है। अब ऐसा क्यों लिखा गया, इसका एक महत्वपूर्ण रूल है नामकरण करते समय जिसको हम फॉलो करेंगे, वो है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। इस रूल को फॉलो करेंगे जहाँ प्रीफिक्स का अर्थ है सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड का अर्थ है कार्बन की संख्या के अनुसार हाइड्रोकार्बन का नाम, और सफिक्स का अर्थ है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ हमारा तात्पर्य है वो ईन है या आइन है,
देखते हैं अगला एग्जांपल। ये ले लेते हैं और इनके हाइड्रोजन भी लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 एक साथ भी इनको लिख सकते हैं चाहें तो CH2। यहाँ हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड और ये इसका हाइड्रोजन और अब यहाँ हमारी जो सेकंड कंडीशन थी कि नंबर कार्बन के दोनों तरफ से समान हो, 1 2 3, यहाँ भी सेकंड थर्ड नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी थर्ड नंबर से हो रहा है। अब यहाँ पे अपन इस दिशा से नंबरिंग करेंगे क्योंकि अब इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2-methyl। 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स, 1 2 1 2 3 3 इन 2-methyl हेक्स 3 इन। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सब्स्टिट्यूएंट की 2 स्पीसीज आ जाए, नंबरिंग इधर से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से 5 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है इसलिए इसको पहले लिखेंगे, 5-ethyl 4-methyl हेक्स 2-ईन। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये चीज का यहाँ लगा देते हैं, नंबरिंग इधर से 1 2 3, इधर से चलते तो 1 2 3, इसको एक और बढ़ा देते CH2, तो क्या हो जाएगा, 4 5 6। अब यहाँ पे दो से